हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं प्रेम सागर। दोस्तों, एलजी कुछ दिनों से लगातार अपने हर एक नए स्मार्टफोन का कुछ न कुछ लीक्स हमेशा लगातार निकाल रही है और कुछ न कुछ उसकी खूबियां बता भी रही है और लीक्स में हर जानकारियां कुछ न कुछ दे रही है। इससे साबित कर देते कि एलजी भी अब किसी भी ब्रांड या किसी भी कंपनी से पीछे नहीं है। अब वो भी टेक कंपनी में वापसी करते हुए अपने दमदार स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। अब दोस्तों, हाल ही में एलजी ने अपने एलजी K31 को लॉन्च कर दिया है और इस स्मार्टफोन को अमेरिका के अंदर यूएस के अंदर इसे लॉन्च किया गया है और इसी दोस्तों कुछ दिन बाद इसे इंडिया में भी सेल किया जाएगा। अब दोस्तों, हम जानेंगे एलजी K31 के फीचर्स के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी प्राइस कितनी है और इंडिया में कब तक भर में इसे सेल पर अवेलेबल कराएगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया में अब डायरेक्ट इसे लॉन्च नहीं, सेल पर ही अवेलेबल कराएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके फीचर्स को लेकर। एलजी K31 की सबसे पहले डिस्प्ले की बात कर ले तो और डिजाइन की बात कर लेते, इसकी डिस्प्ले जो भी है 5.7 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। वही दोस्तों हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले में आपको यू शेप कट वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है। वही दोस्तों, आप एंड्रॉयड 10 बेस पर यह रन करेगा, जिसकी एलजी का खुद का एलजी UX 9.1 पर रन करेगा। वही दोस्तों, स्मार्टफोन में आपको 2GB के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है और इसमें प्रोसेसर जो इस्तेमाल किया गया है मीडियाटेक का हेलियो P22 का प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही कमजोर प्रोसेसर है। और वही दोस्तों, ये बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा को लेकर। बैक में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, 13 MP प्राइमरी सेंसर, 5 MP ट्राई वाइड एंगल और 2 MP डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में आपको 5 MP का सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के कैमरा देखने को मिल जाता है। वही रियर में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन में आपको 3000 mAh की बड़ी बैटरी तो नहीं दी गई है, लेकिन एक मीडियम बैटरी दी गई है। इसके साथ दोस्तों आपको चार्जर की भी जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन दोस्तों जो चार्जर होगा उम्मीद है कि दोस्तों फास्ट चार्जर ही दिया होगा। वैसे तो स्मार्टफोन की बात कर ले इसकी कीमत को लेकर, प्राइस को लेकर, तो इसकी यूएस में जो कीमत रखी गई है $149, लगभग दोस्तों इंडिया में 11,000 रुपये कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों जिस फीचर के साथ एलजी इस स्मार्टफोन को दे रही है, इस फीचर के साथ लोग इंडिया में तो नहीं है स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रोसेसर इसकी बहुत ही कमजोर है, इसकी रैम बहुत ही कम है, बैटरी बहुत कम दी गई है, बहुत चीज इसमें कम दिए गए हैं। हाँ, इसी स्मार्टफोन की कीमत करीबन 5,500-6,000 तक इंडिया में इसे रखता है, तब जाके इसे इंडिया में इसे लोग खरीद सकते हैं। तो आप लोग बताइए दोस्तों, आपको एलजी K31 के लेकर क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहलाती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।